बक्सर जिला में अपराधियों के हौसले बुलंद, लगातार तीसरे दिन हुई गोली मारने की घटना। 24 घंटे में 5 को लगी गोली। ताजा मामला इटाड़ी थाना क्षेत्र के मंगोलपुर की है, जहां आपसी रंजिश में 2 व्यक्ति को मारी गई गोली। बेहतर इलाज के लिए किया गया बनारस रेफर। बक्सर में बिहार विधानसभा के बाद एक बार फिर कल खूनी खेल सामने आया, जब खलिहान में काम कर रहे 3 किसानों को कुछ अज्ञात लोगों ने गोली से छलनी कर दिया। मामला इटाड़ी प्रखंड के चिलविला गांव की है, जहां राजेंद्र सिंह, विमलेश सिंह और राकेश सिंह अपने गांव में खलिहान में काम कर रहे थे, तभी कुछ अज्ञात लोगों ने खलिहान में पहुंचकर तीनों पर गोलियों की बौछार कर दिया। इस गोलीबारी में 3 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी हालत की गंभीरता को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया। अभी 24 घंटे भी नहीं हुए कि एक बार फिर इटाड़ी थाना क्षेत्र मंगोलपुर गांव में गोलियों की तड़तड़ाहट से इलाका गूंज उठा। इस गोलीबारी में 2 लोगों को गोली लगी है, जिन्हें गंभीर अवस्था में बक्सर सदर अस्पताल लाया गया, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद दोनों की हालत को गंभीर देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए बनारस रेफर कर दिया गया। मामले की जानकारी मिलते ही इटाड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। मामले की जानकारी देते हुए बक्सर SDPO गोरख राम ने बताया कि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और दोषियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी की जा रही है। DSP ने कहा कि जल्द ही मामले का पर्दाफाश हो जाएगा और जो लोग दोषी हैं उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्ट CNB न्यूज बक्सर। आपके बक्सर शहर में खुल गया जावेद हबीब हेयर कटिंग सैलून और ब्यूटिशियन के साथ ब्यूटी पार्लर आपके लिए एक सुनहरा मौका लेकर आया है। जावेद हबीब संजय सवर्णी का शादी विवाह, तिलक उत्सव, जन्म उत्सव, दूल्हा दुल्हन को सजाने के लिए एवं घरेलू छोटे बड़े पार्टियों में हमारे यहाँ सारी सुविधाएं मौजूद है। हेयर कटिंग से लेकर मेकअप तक आपको सभी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। एक बार आवश्यक हमें सेवा का मौका प्रदान करें। हमारा पता है PP रोड रेमंड शोरूम के ऊपर, मोबाइल नंबर 7007641694, दूसरा नंबर 9519600007। सूचना मिला था कि मंगोलपुर में 2 व्यक्तियों का गोली लगा है, सुनता पाए तो दोनों आदमी अभी तो कुछ बता नहीं रहे हैं, ये बता रहे हैं कि पुरानी रंजीत से मारा गया है, लेकिन अभी विशेष नाम नहीं दिए हैं। अभी कुछ रिपोर्ट प्राप्त होने पर हम लोग कार्रवाई करेंगे और उसकी सत्यता को हम लोग पता कर रहे हैं कि कारण क्या है। कितनी संख्या में अपराधी थे सर? अभी तो उनके अनुसार जो बोल रहे थे 6 बोल रहे थे, कितना लिखे होते हैं सर। लगातार ये गोलीबारी की घटना हो रही है, कल इटाड़ी थाना में ही कल 3 लोगों को गोली मारी गई। कल गोलीबारी है वही थी, उसमें आपसी विवाद था। पूर्व में जो अभियुक्त हैं उनकी लड़कियां की हत्या में लोग अभियुक्त था, उसी प्रतिशोध में कल छोटी मोटी घटना को लेके गोलीबारी हुई है, उसमें कार्रवाई किया जा रहा है, छापेमारी हो रहा है। सर क्या मरामद होने की भी सूचना है उसमें? राजपुर में हुआ था, टमपुर गाँव में एक हथियार और गोली मिला है, उसके बाद कार्रवाई हो रही है। सर लगातार घटनाएं हो रही है, क्या माना जाए, बक्सर पुलिस सुस्त है या अपराधियों का हौसले बुलंद है? अपराधी के हौसले, बक्सर पुलिस सुस्त नहीं है, अपराधी का हौसले बुलंद नहीं है। ये आपसी रंजिश है, इसमें कोई अपराधी से तो नहीं, आपसी रंजिश में किया गया है, हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। 3 दिन में 7 लोगों को गोली मारी गई, कार्रवाई हो रहा है, बहुत जल्दी सब। धन्यवाद। ये घटना घटी, वो लोग खलिहान में काम कर रहे थे, उसी समय कुछ लोग आए, 2 लोग बाहरी थे और 2 लोग गांव के थे, आए लोग आ करके फायरिंग करना शुरू कर दिए और इन लोग लगी, एक को पेट में, सीना पर और सर पे गोली लगा हुआ है, दूसरे आदमी को हाथ में। वो लोग कौन थे जिन्होंने खलिहान में आकर गोली मारना शुरू कर दिया? 2 लोग बाहरी थे और 2 लोग गाँव में गाँव के थे जी। आप थी रंजीत से क्या?
नहीं, इधर तो कोई इन लोगों में झगड़ा नहीं हुआ था। मांगी आदमी क्या मांगे, सुरक्षा ऐसे ना घटना होगा कि चाहे जो अपराधी बताए, इतने बेजे मैंने काम हो जा रहा है, सब लगातार हो रही है घटना। कभी टारी में गोली मारी, कल सुनने को मिल रहा है कि चिलबिला में 3-6 हुआ है, आज यहाँ सुनने को मिला। यहाँ कितने लोगों को लगा है गोली? 2। क्या मांग कर रहे हैं प्रशासन से? महारानी लेडीज ब्यूटी पार्लर एवं स्पा सैलून, प्रशिक्षण के लिए संपर्क करें। आपके शहर बक्सर में वातानुकूलित स्टीम बाथ, हेयर ट्रीटमेंट, स्किन ट्रीटमेंट, हेयर स्पा, बॉडी स्पा, हाईलाइट, हेयर स्ट्रेट, कलरिंग, बॉडी पॉलिश जैसे सारे प्रोफेशनल सुविधा के लिए जाना माना सेंटर महारानी लेडीज ब्यूटी स्पा सेंटर, गोलंबर जासो रोड बक्सर। हमारा मोबाइल नंबर 8603412054।